हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एपी चैप्टर का है जो क्लास 10 के लिए है। ये 5.2 का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन को समझे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, तो आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है उस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहले उस एपी का सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर का मतलब होता है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो सार्व अंतर ज्ञात करना है, वही फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। जिसका सत्रहवां पद यानी जिसका 17th टर्म दसवें पद से 7 अधिक है, यानी 10th टर्म से 7 अधिक है। तो हमको उसको निकालना क्या है, सार्व अंतर। क्या निकालना है, सार्व अंतर ज्ञात करें, यानी हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन को पढ़ लिए, समझ लिए, अब उसके लिए समझने के बाद उसका एक इक्वेशन तैयार होगा, एक समीकरण बनेगा, उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ए 17th, क्वेश्चन में कहा गया ना 17वां पद यानी 17 टर्म्स जो है वो 10 टर्म से यानी 10वां पद से, तो ए 10 7 अधिक है, तो प्लस 7 लिख दिए। अगर 17 अधिक होता, 17 अधिक होता, तो प्लस 17 होता, यानी जितना अधिक है उतना प्लस में लिखेंगे, और अगर कम होता तो माइनस में लिखते हैं। तो क्वेश्चन में तो अधिक लिखा है, इसीलिए किस में लिखेंगे, प्लस में। क्या लिखेंगे, प्लस। तो इक्वेशन हमारा तैयार हो गया, ए 17 बराबर ए 10 प्लस 7, यानी 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक है इसीलिए प्लस है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, ए 17 का हम जब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे, ए प्लस 16d, ए प्लस 16d। अब आप कहेंगे 16d कहां से आ गया, तो कभी भी ए 17 अगर रहेगा तो आपको ए प्लस इससे कम लिखना है। अगर 17 है तो यहां 16 लिखाएगा, अगर यहां 16 होता तो यहां 15 लिखाता, अगर यहां 15 होता तो यहां 14 लिखाता, यानी अगर 17 है तो 16 लिखिए, 15 है तो 14 लिखिए, 12 है तो 11 लिखिए, मतलब एक कम लिखना है। उसी तरह हम यहां भी करें, ए 10 है तो क्या होगा, आप बताएं, ए प्लस और यहां 10 है तो क्या हो जाएगा, हाँ 9d होगा। क्या होगा, 9d, क्योंकि 10 में से कम हो 9d होता है, यानी इसको तोड़ दिए, फैक्टराइज कर दिए, अब प्लस 7। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ए इक्वल टू का उधर ए है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का इधर इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस 16d लिखेंगे, 16d। उसी तरह फिर प्लस 9d है तो इधर आएगा तो माइनस 9d हो जाएगा। तो ए वाला को ग्रुप को लिख चुके हैं, डी वाले ग्रुप को लिख चुके हैं, अब तो खाली नंबर बचा, तो इक्वल टू 7 है तो हम भी लिख देंगे 7, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब ए और माइनस ए, तो प्लस माइनस माइनस, ए और ए क्या हो गया, कट जाएगा, फिर यहां प्लस माइनस माइनस यानी घटाव है, घटाना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। बड़ा के साथ कौन साइन है, बड़ा के साथ ये बड़ा है, 16 और 9 में 16 बड़ा यानी 16 बड़ा है, प्लस का साइन है, तो प्लस साइन आप शुरू में लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम नहीं लिखते हैं। 16 में से 9 गया तो 7 बचा, यानी 16 में से 9 गया तो 7 बचा, 7 में डी है तो डी लिख देंगे, बराबर 7। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी बराबर 7 और ये बट इंटू में, कुछ नहीं क्या है, इंटू में है तो कहां जाएगा, बाय में जाएगा, यानी गुना वाला कहां जाएगा, भाग में जाएगा, 7 है तो 7 चला जाएगा। अब 7 1 जा 7, 1 बार में कट गया, तो इसलिए डी बराबर कितना आ गया, 1, यानी हमारा जो आंसर है वो होगा 1, क्योंकि डी यानी सार्व अंतर। क्वेश्चन में कहा गया सार्व अंतर ज्ञात करें, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1, तो इसका आंसर हो गया 1। अगर आपको आंसर समझ में आ गया है, अब वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।